जहाँ पर रहेंगे उन बंते जी के लिए रहने का खाने का इंतजाम करना है। अभी क्या किया, ये जो भी पुरानी सरकार थी उसने यहाँ पे 8 या 10 बंते का लगातार इंतजाम किया। बीच की सरकार आई तो उन्होंने बंते तो रह सकते हैं लेकिन खाने का इंतजाम नहीं था, तो दोनों ही परिस्थिति में उसमें नियम बना है कि आपका रहने का इंतजाम है लेकिन खाना नहीं है तो आप कैसे जिएंगे। तो अगल बगल में वो बंते लोग जाते थे और मैंने देखा, उन्होंने बताया भी था, ये बगल के मोहल्लों में उन्होंने कोशिश किया लेकिन खाना मिलता नहीं था। तो कुछ लोग उसमें रिटायरमेंट वाले, तो जिनको पेंशन मिलती है तो उनका खाना तो चलता था, लेकिन जिनको पेंशन या कोई साधन नहीं है तो उन्हें खाने की दिक्कत भी होती थी। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो खाने का और ये रहने का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन मैंने पता किया था उसमें कुछ जान पहचान के बंते जी है, जो मंत्री थे वो उनकी पिछले साल डेथ हो गई, शांति मित्र बंते जी प्रतापगढ़ वाले। तो कुल मिला के जो वर्षावास का प्रक्रिया है उसको थोड़ा अभी समझने की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो उपासकों को, उपासिकाओं को, क्योंकि धम्म का जो काम है वो चलाना है 4 लोगों को, भिक्खु भिक्खुनी, उपासक, उपासिकाएं। तो अभी गृहिणी है तो उसका कब्जा रहता है किचन के ऊपर, बिना किचन के आपका खाना नहीं चल सकता। बहुत सारे अभी तो जेंट्स भी बनाते हैं खाना, लेकिन केवल जेंट्स लोगों से खाना मिल नहीं पाएगा, तो ऐसा सोच के आप लोगों को आगे वर्षावास में क्या मदद कर सकते हैं ऐसा सोचना चाहिए। मेरी जानकारी में यहाँ 2 इकाई में बुद्ध विहार हैं लखनऊ में, 3 इकाई में तो शायद नहीं है कि भाई 100 से ज़्यादा हों, लेकिन मतलब 10 से ज़्यादा हैं बुद्ध विहार। उन 10 से ज़्यादा बुद्ध विहारों में जहाँ भी बंते जी हैं, और अगर वर्षावास का आप इंतजाम कर सकते हैं चाहे इंडिविजुअल चाहे ग्रुप में कलेक्ट करके, तो ऐसा वर्षावास और प्लस वर्षावास का समापन, उसे कठिन बोलते, फिर कठिन इसलिए कि वो चीवर उसी दिन सुबह कपड़ा नाप के हिसाब से काटना है, फिर उसको सिलना है, रंगना है, सुखाना है, ये शाम तक प्रक्रिया पूरी करके हैंडओवर करना है, तो वो कठिन काम है एक ही दिन में, इसीलिए उसको कठिन चीवरदान बोलते हैं। तो यही थोड़ा हमको बोलना था।